हेलो दोस्तों मैं अंगा सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं तो दोस्त हम कल डिविजिबिलिटी नियम पे प्रश्न भी कर चुके थे और जो है गुणनखंडों का गुणनखंडों का नंबर और गुणनखंडों का योगफल ये हम लोग निकाल चुके थे आज हम चर्चा करेंगे शून्यकों की संख्या तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको पहले जानना जरूरी है पहले उसको आप ध्यान दीजिए भाई शून्य कहाँ से प्राप्त होता है तो दो बात दिमाग में रखना बच्चे एक या दो से मल्टीपल करने पर या एक पांच मल्टीपल करने से ही हमको एक शून्य की प्राप्ति होती है। यानी यहां से दो बातें समझ में आई अगर दो बार दो आ गया और एक बार पांच आ गया दो बार दो आ गया एक बार पांच आ गया तो हमें बस इतना दिमाग में देखना है कि जितनी बार जितनी बार दो आया है उतनी बार भी पांच भी आना चाहिए अगर दो दो बार आया है पांच दो बार आया है तब तो दो शून्यों की संख्या होगी अगर कोई संख्या एक बार केवल आई है तो एक शून्यों की संख्या होगी ध्यान समझिएगा जैसे मैं चर्चा लेता हूं आपको देखिए अगर दो का गुणा पांच में मैं करता हूं बच्चे दस आता है ध्यान दीजिएगा तो आप कहेंगे एक शून्यों की संख्या हो गई ठीक है अगर हम इन दो को लेकर इससे भी गुणा करके देखें तो दो दुना चार और पच्चे बीस तब भी कितनी शून्यों की संख्या एक हो गई लेकिन अगर यही बात अगर दो ठो दो होता और दो ठो पांच होता तो मैं इस इन दोनों को देखकर इन दोनों को देखकर समझ जाता कि शून्यों की संख्या कितनी होगी दो ठो होगी ये दिमाग में रखना है आपको भाई दो दुना चार और पच्चीस पच्चीस चौक का सौ तो सौ में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी अब किसी प्रश्न में मैं प्रश्न लेकर कराऊंगा पहले बेसिक समझते हैं। जैसे मैं बात करूं कि दो गुड़ा दो गुड़ा दो ये तीन बार आया और एक पांच आया तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि एक जोड़ा दो का एक जोड़ा पांच का कितने शून्य आएंगे एक शून्यों की संख्या होगी अब ये करना चाहे तो कर सकते हो दो चार दुना, दुना आठ पचे चालीस यानी कहने का मतलब यानी कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब आपका क्या है अगर जितने पांच और जितने दो उतने ही शून्यों की संख्या अगर पांच एक दो एक तो शून्यों की संख्या भी एक एक शून्य की संख्या तो दूसरी बात यहां पर आती है अगर सर दो न हो और तीन के साथ पांच आए तो शून्यों की संख्या कुछ नहीं देखो तीन के साथ यदि पांच आए तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी शून्य हो जाएगी कोई शून्यों की संख्या नहीं होगी उम्मीद करता हूं बातें समझ में दूसरी बात आप थोड़ा सा सवाल जिस पर लेते हैं अभी तो इसकी थोड़ी सी चर्चा दूर होगी यहां पर जानकारी लेनी जरूरी थी अब बात आती है प्रश्न कैसा बनता है तो प्रश्न आया दो या तेरह में कि एक से लेकर एक से लेकर सौ तक के सौ तक के गुड़नफल में सौ तक के गुड़न फल में शून्यकों की संख्या होगी शून्यकों की संख्या ध्यान समझिए अब बात आई एक से लेकर सौ तक का गुणफल तो एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार ऐसे करके कहा तक गुणनफल तो देखो क्या होता है कुछ करना नहीं है क्योंकि तो दो से तो सम संख्या होती है दो से दो क्या है सम संख्याओं के लिए है तो पहले इसको विषम में बनाना पड़ेगा दो से भाग तो दो से हम भाग दे नहीं सकते हमको देना किससे पड़ेगा एक ही संख्या बची पांच क्योंकि दो और पांच में देखा जाता है तो इसको विषम बनाने के लिए यूज करते हैं दो से भाग देकर तो बचा क्या पांच तो पांच से भाग देते हैं देखो सौ में जब आप पांच से भाग देते हो ये नियम जान लो तो बीस तब तक काटना है जब तक पांच से छोटा न जाए बीस में जब आप पांच से भाग देते हो तो चार तो बीस और चार कितने हो गए बच्चे चौबीस तो एक से लेकर सौ तक के गुणनफल में एक से लेकर सौ तक के गुणनफल फल में शून्यों की संख्या अगर हम देखें शून्यों की संख्या हम देखें तो कितना हो जाएगा बच्चे चौबीस तो एक से लेकर सौ तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी चौबीस हो जाएगी दूसरा भी प्रश्न पूछा मैं दिखा रहा हूं दूसरा क्या प्रश्न पूछा दूसरा प्रश्न पूछा आपसे कि एक से लेकर एक हजार तक के एक हजार तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या होगी गुणनफल में तो की संख्या होगी देख तो एक गुड़ा दो गुड़ा तीन गुड़ा डाट 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 गुड़ा एक हजार तो क्या करना है कुछ नहीं करना है वही बात एक हजार बटे पांच कितना गया बच्चे दो सौ फिर दो सौ बटे पांच कितना आ गया चालीस पचे दो सौ फिर चालीस बटे पांच कितना आ गया आठ और फिर आठ बटे पांच कितना आ गया एक तो दो सौ चालीस और आठ अड़तालीस और एक उनचास तो कितनी संख्या जीरो कितने शून्यों की संख्या हो गई दो सौ उनचास ये सवाल का आंसर बोलिए एक प्रश्न इस पे और अच्छा बहुत आया बच्चा देखो वो भी मैं आपको कराता हूं तीसरा प्रश्न उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको तीसरी बात आपको दिमाग में तीसरी बात आई कि फैक्टोरियल एक फैक्टोरियल को पांच पावर यन से भाग दिया जाता है या भाग देने पर शून्यकों की संख्या होगी ठीक है तो फैक्टोरियल एक इसको फैक्टोरियल एक का मतलब समझो एक फैक्टोरियल को कितनी बार लिख सकते हो वन गुड़े टू इंटू थ्री इंटू फोर ऐसे कहाँ तक एक सौ सत्तासी बार लिख सकते हो ये लिख सकते हो यही बात कहा था फैक्टोरियल का मतलब होता है उस संख्या को एक तक लिख दो जैसे मैं कहूं फैक्टोरियल दस तो दस नौ आठ सात चार तीन दो बारा, बारा, एक फैक्टोरियल बारह बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छः ऐसे ठीक है तो ऐसे ही मैंने इसको एक सौ सत्तासी से लिख दो चाहे एक सौ से शे, 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 ले लो एक ही बात है क्योंकि मल्टीपल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा अब चूंकि पांच का पावर एन था तो पांच से ही डिवाइड करना था तो देखो एक सौ सत्तासी बटे पांच तो पिया पंद्रह पांच पचे पच्चीस यहां पैंतीस आ गया अब यहां पैंतीस से फिर पांच से भाग देते पांच सते पैंतीस सात आ गया फिर सात से पांच में भाग देंगे तो पांच एक का तो कुल कितने पांच घात हो गए देखो पैंतीस सात बयालीस और एक तिरालीस तो उत्तर कितना हो गया बच्चे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी तिरालीस यानी यन का मान कितना हो जाएगा फोर्टी शून्यकों की संख्या कहते तथा यन का मान भी अगर यन का मान भी पूछता तो इस तरीके से सेट कर लेते अब तो एक सवाल और पूछा उसको भी मैं आपको बता देता हूं फैक्टोरियल एक सौ उनतीस में फैक्टोरियल एक सौ उनतीस में तो की संख्या होगी अब आप जानते हो वन इंटू टू इंटू थ्री ऐसे कहां तक एक सौ उनतीस तक एक सौ उनतीस बटे के पांच तो पांच दुना दस पांच पचे पच्चीस पच्चीस बटे पांच 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 बटे पांच एक पच्चीस पांच तीस और एक इकतीस तो शून्यकों की संख्या कितनी इकतीस हो जाएगी तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बच्चे इकतीस हो गई बोले कंफर्म हो गया तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई अब बात करते हैं चार सौ और पांचवा अगर यदि स्तम संख्या यदि क्या हो तो मैंने अभी बेसिक बातें आपको क्या बताया दिया इधर लिख देता हूं मैं बेसिक बातें आपको मैंने क्या बताया वो चीज आपको जाननी पड़ेगी कि उस बेसिक बात को हम क्या करते हैं देखिए मैंने बताया दो और पांच का मल्टीपल लेते हैं तो अगर संख्या प्योर है तो पांच से डिवाइड करते हैं सम है तो पहले इस दो से भाग करने पर विषम बनाएंगे सर्वप्रथम दो से भाग करके विषम बनाते हैं तथा फिर वही प्रक्रिया को अपनाते फिर क्या करते हैं उसी प्रक्रिया को अपनाते हैं फिर उसी प्रक्रिया को अपनाते एक लैंग्वेज हो गई आपके लिए कि मैंने क्या बताया जैसे बिना दो के और बिना पांच के कोई शून्यकों की संख्या प्राप्त नहीं होने वाली तो अब मैंने कहा जब अगर शून्यकों की संख्या आपको नहीं प्राप्त होने वाली है तो भाई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है इसमें सवाल हम कराएंगे सवाल मैं करा भी दे रहा हूं जो आए हुए प्रश्न है उनको मैं एक तरफ से कराता चल रहा हूं जिससे आपको आसानी हो थोड़ी सी जानकारी अच्छी मिले ठीक है चलिए तो आप समझिए बच्चा सर्वप्रथम दो से भाग करके विषम बनाते क्या बनाते हैं विषम बनाते मुख्य पॉइंट है नोट डाउन कर सकते हो ध्यान समझिए सवाल में क्या होता है सवाल जैसे आपसे पूछ दिया मान लीजिए क्वेश्चन में पांच नंबर है ना क्वेश्चन पांच ले लेता मान लीजिए आपसे सवाल पूछ दिया दो गुड़ा चार गुड़ा गुड़ा आठ गुड़ा दो सौ में शून्यकों की संख्या होगी दो तो सौ में शून्यकों की संख्या होगी थोड़ा साइलेंट कर दूं नहीं तो चलिए शून्यकों की संख्या होगी आप देखो बच्चा हालांकि जो मैटर एक से लेकर सौ तक का था तो आप वहां पे चौबीस निकाले थे ध्यान देना तो क्या करना है पहले यह चीजें सम संख्या है ध्यान समझिए इसको मैं कोई कलर लेके बस वो करूंगा लिखूंगा ब्लैक से तो आप लोग ठीक समझ में आए ये देखिए दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह इसी दो तक है समझिए यहां पर तो सर्वप्रथम सर क्या करेंगे दो सौ में इससे भाग दे देंगे दो से पहले विषम बनाएंगे सौ लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे क्या करेंगे काउंट काउंट नहीं किया जाता ठीक है, काउंट नहीं किया जाता भी फिर वही प्रक्रिया अपनानी है यानी सौ गया, सौ में पांच से क्या करेंगे अभी भाई बेस हो गई ना अब आपसे नया सवाल बन गया क्या बन गया ये आपसे नया सवाल बन गया सवाल क्या बना वो चर्चा में लेता हूं जब दो से आप भाग दिए तो क्या मिल गया यहाँ पचास सौ सौ तक बन गया यानी एक दो तीन ऐसे बन गया यानी बन क्या गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे करके कहा तक बन गया सौ तक अब वही प्रक्रिया सौ भागे पांच आ जाएगी बीस बीस भागे पांच आ जाएगा चार अब तो नहीं कटने वाला तो बीस और चार कितने शून्यकों की संख्या हो गई चौबीस तो इस सवाल का तो चेक कर सकते हो देख लो क्या स्थिति बन रही है बोलो क्लियर हो गया तो उम्मीद करता हूं समझ में आया आओ एक सवाल इस पर और ले लेता हूं मैं सवाल देखे क्वेश्चन नंबर सिक्स कह देगा कि दो गुड़ा चार गुड़ा छुड़ा आठ गुड़ा डट डट गुड़े दो सौ पचास में, में को की संख्या होगी में शून्यकों की संख्या होगी तो सर्वप्रथम वही नियम भाई सम संख्याएं हैं देखिए सम संख्या है ना तो 250 बटे दो, दो। तो ए आ गया एक पच्चीस क्या आ गया एक सौ पच्चीस आ गया आप सवाल क्या बना वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू डाट डॉट इंटू वन टू फाइव यही तो होगी हो गया बेसिक सा। क्योंकि दो से डिवाइड करने पर ए वाला मान्य नहीं होता इसको काउंट नहीं करेंगे काउंट नहीं करेंगे इसको काउंट नहीं करें ठीक है अब यहां से देखिए 125 बटे पांच तो कितना आ जाएगा 25 पंजे 125 हो गया ओके फिर 25 फिर पांच से भाग देंगे तो पांच पांच बचे पच्चीस फिर पांच पांच से भाग देंगे तो पांच एक का तो आपका कुल कितना हो गया पच्चीस पांच तीस और एक इकतीस हो गया बोलो पच्चीस पांतीस और एक इकतीस तो टोटल शून्यकों की संख्या क्या होगी इकतीस तो आप उत्तर क्या मारेंगे देख लीजिए कोई दिक्कत है एक सवाल और एक समझा देता हूं इसमें तीन सवाल हो जाएगा ठीक रहेगा सातवां नंबर का सवाल देखिए कि दो गुड़ा चार गुड़ा गुड़ा आठ गुड़ा एक हजार में एक हजार में शून्यकों की संख्या शून्यकों की, की संख्या क्या होगी शून्यकों की संख्या क्या होगी आप ध्यान समझिए वही बात सम बातें हैं क्या है सम संख्याओं की बातें हैं तो सम संख्याओं की बात में क्या करेंगे हम पहले दो से डिवाइड कर लेंगे तो एक हजार बटा दो ये हो गया पांच सौ इसमें करेंगे तो हो जाएगा नया क्वेश्चन क्या बन गया एक गुड़ा दो गुड़ा तीन गुड़ा चार गुड़ा कहां तक पांच सौ तक अब वही नियम पांच सौ बटे पांच यानी कितना सौ सौ बटे पांच यानी कितना बीस बीस बटे पांच यानी कितना चार एक सौ बीस और चार एक सौ ए हो गया सवाल का कुछ तो सवाल हम कर लेते हैं इसपे थोड़ा आप लोगों को कुछ सवाल भी मैं इस पे करा देता हूं जिससे फायदा हो जाएगा जानकारी हो जाएगी आपको जैसे एक सवाल पूछा सवाल ले लीजिए क्वेश्चन नंबर आठ ले लीजिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सवाल क्या था एक तीन पांच पच्चीस को परस्पर गुणा किया जाए एक तीन पांच एक तीन पांच पच्चीस को गुड़ा किया जाए तो गुणनफल में शून्यकों की संख्या गुड़न फल में शून्यकों की संख्या क्या होगी संख्या क्या होगी ये देखिए आप देखेंगे कि एक तीन पांच आपसे बात क्या पूछा एक गुड़े तीन गुड़े पांच गुड़े सात गुड़े पच्चीस मैंने आपको बताया था शून्यकों की संख्या निकालने के लिए पांच के साथ दो की भी जरूरत होगी लेकिन यहां कहीं दो आया ही नहीं सब विषम संख्याएं हैं तो यहां पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी शून्यकों की संख्या बच्चे यहां पर हो जाएगी शून्य क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी कल से अगर यही बात आपसे बोले कोई शून्य मिलेगा क्योंकि तो मैंने बताया दो मिलना चाहिए और क्या मिलना चाहिए पांच तभी एक शून्य प्राप्त होगा लेकिन यहां पर मतलब एक शून्य प्राप्त होने के मतलब एक यहां पर क्या है कोई शून्य नहीं प्राप्त है इसीलिए शून्य होगा देखिए शून्यकों की संख्या शून्य होगी यहां पर कोई शून्य प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि पांच तो मिला लेकिन उसके साथ कहीं दो भी नहीं मिला अभी पच्चीस वाला दो मत लेना है दहाई का अंक है इकाई का अंक नहीं है सही बात चलिए जैसे एक प्रश्न और लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नौ मैं अगर इस बात को कह दूं एक तीन पांच सात ऐसे करके मान लो सेवेंटी नाइन में शून्यकों की संख्या होगी शून्यकों की संख्या ठीक है तो अब आप कहेंगे कि एक तीन पांच सात पांच तो है लेकिन कहीं भी किसी कंडीशन में दो नहीं आ रहा है क्योंकि सभी क्या है विषम संख्याएं क्या है विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं में इकाई अंक दो तो आता नहीं भाई विषम संख्याओं में इकाई अंक तीन आएगा पांच आएगा सात आएगा दो तो आता नहीं तो यहां पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी तो की संख्या क्या हो जाएगी क्लियर हो गया अगर यह मान लो इस टाइप से प्रश्न बना दिया क्वेश्चन नंबर दस पर चर्चा करेंगे अगर यह मान लो इस टाइप से प्रश्न बना लिया बीस गुड़ा तीस गुड़ा चालीस में शून्यकों की संख्या बड़ी बड़ी भी संख्या बना सकता है लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूं क्या शून्यकों की अभी मैं सवाल ले रहा हूं जो आया हो उस पर चर्चा भी हम करते हैं। बीस का गुणनखंड खंड जब आप करोगे तो दो, दोना चार पचे बीस मिल जाएगा तीस का जब आप करोगे दो तीन छह पचे तीस मिल जाएगा चालीस का करोगे तो दोना चार दो न आठ पचे चालीस मिल जाएगा अब मैंने बताया था शून्यकों की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे शून्यकों की संख्या अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कितने दो हैं और कितने पांच हैं। इसमें कितने दो हैं और कितने पांच हैं? ये चीज हमको देखनी पड़ेगी बच्चे तो सबसे छोटा तो हमको दिख रहा है पांच कम संख्या मतलब छोटा दिखने का मतलब कम संख्या में पांच दो तीन और हमें तब तीन ही क्योंकि दो देखो कितने हैं दो एक तीन 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 छठ वो तीन तो लेना नहीं छठ तो हमको पांच कितने मिले तीन पांच कितने मिले तीन और दो मिले छह लेकिन हमको लेना कितना है सेम लेना है यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी चलो नहीं समझ पाए तो एक और क्वेश्चन समझाता हूं जैसे मान लो मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि दो गुड़ा दो गुड़ा तीन गुड़ा तीन गुड़ा पांच गुड़ा पांच, गुड़ा पांच गुड़े सात गुड़े सात गुड़े सात में शून्यकों की संख्या होगी में शून्यकों की संख्या होगी ठीक है अब बात को समझिए तो यहां पर कितने पांच एक दो तीन चार अब कितने दो एक और दो तो दो ठो दो हो गए तो दो ठो पांचे लेना है यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो गई अब इसी बात को इस तरीके से भी लिखा जा सकता था कि अगर मैं दो की घात दो गुड़ा तीन गुड़ा पांच की घात चार गुड़ा सात गुड़ा ग्यारह लिख दू मैं भाई पावर में बना दिया सवाल वही नहीं पावर बना दी मैं शून्यकों की संख्या होगी देखिए दो की कितनी घात दो घात केवल दो और पांच से मतलब है हमारा तो दो की कितनी घात दो पांच की कितनी घात चार लेकिन हमको लेनी तो छोटी घात है क्योंकि दो ही दो मिलान पड़ेगा तो मैं कह दूंगा शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बोलिए क्लियर हुआ कोई बात नहीं एक और सवाल लेता हूं समझिए अगर मैं बात दो की घात आठ गुड़ा सात गुड़ा पांच की घात तीन गुड़ा ग्यारह में शून्यकों की संख्या आपसे पूछूं तो देखिए दो की कितनी घात यहां पर आठ यहां आठ घात है बच्चे और यहां पर तीन घात तो मैंने बताया जो छोटी घात है वही लेना है क्यों क्योंकि पांच गुड़ा पांच गुड़ा पांच तीन बार है और ये आठ बार है तो हमको भी यहां कितनी बार लेना पड़ेगा केवल तीन बार और ये वाला छोड़ देना तो तीन बार ए तीन बार ए तो सेम हो गया यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो गई शून्यकों की संख्या हो गई अब इस पर प्रश्न आया था मैं प्रश्न भी आपको करा देता हूं देखिए ठीक है समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं कई प्रश्न मैंने समझाया इसीलिए एक सवाल आया मैं आपको क्वेश्चन नंबर पंद्रह में सवाल ही करा देता हूं सवाल आया पाँच गुड़े दस पाँच गुड़े दस गुड़े पचीस गुड़े चालीस पचीस गुड़े चालीस गुड़े पचास गुड़े पचपन पैंसठ पचपन पैंसठ गुड़ा एक सौ अस्सी सॉरी अस्सी गुड़े एक सौ पच्चीस अस्सी गुड़े एक सौ पच्चीस में गुड़न खंडों की संख्या में गुण गुणन फल के शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या क्या ठीक है आप देखिए सवाल आया मान लीजिए प्रश्न में समझिए ए तो भाई पांच आया सही है ए पांच दूना दस आया ए पांच पचे पच्चीस आई ए पांच दूना पाँच अट्ठे चालीस हो गया एक पांच दहा में पचास पाँच दूना दस पचे पचास ग्यारह गुड़ा पाँच तेरह गुड़ा पाँच बस पाँच अस्सी है तो सोलह पच्चीस अस्सी तो दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह गुड़ा पाँच, और पच्चीस है तो एक पाँच गुड़ा पाँच गुड़ा पाँच। बस यहाँ समझ में आ जाएगी बातें आपको पूरा सवाल ही कि एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह पांच की संख्या पांच की संख्या तेरह हो गई अब दो में देखे बच्चे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ तो दो की संख्या दो की संख्या हो गई आपके पास नौ तो आप बताओ शून्यकों की, तो की, तो की, तो की संख्या कितनी हो जाएगी बोलिए तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे शून्यकों की संख्या कम वाली होगी यानी हो जाएगी बच्चे तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी नौ हो जाएगी उम्मीद करता हूं बातें यहां तक समझ में आई होगी बोलिए क्लियर है समझ पा रहे हो ठीक है एक सवाल और लेते हैं देखो क्वेश्चन नंबर सोलह क्वेश्चन नंबर सोलह लेता हूं मैं अच्छा एक सवाल ये भी आया कि एक गुड़े तीन एक गुड़ा, तीन गुड़ा पांच गुड़ा ऐसे करके निन्यानवे निन्यानवे गुड़ा एक सौ अट्ठाइस में शून्य की संख्या ओके okay. पावर में तो बता ही दिया कैसे आप करेंगे कितना भी बड़ा पावर रहे उसको बेसिक में तोड़ के आप उसको लिख सकते हो सही बात है अब <coughs> देखो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर क्या जानने वाली बात थी उसी को हम समझेंगे ठीक है अब एक से निन्यानबे तक बुरा करते हैं ध्यान समझिए एक तीन पांच ऐसे करके तो एक दो तीन चार पांच तो है नहीं तो निन्यान अच्छा पहले एक सौ अट्ठाईस को देख लो तो दोना चार दोना आठ दोना सोलह दूना बत्तीस दोना चौसठ दूना एक सौ अट्ठाईस ये तो डायरेक्ट हमको लग रहा सब दूना है क्या तो एक दो तीन चार पांच छ सात यानी दो की संख्या दो की संख्या कितनी हो गई बोले सात अब एक तीन पांच में देखोगे तो पांच की संख्या कितनी बार आ जाएगी तो इसको तो भाई जोड़ना ही पड़ेगा तो पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस चालीस पैंतालीस पचास पचपन साठ बारह, ये निकाल लेना बच्चे ये कितना है यहां तक बारह संख्या हो गई कितनी संख्या आप हमको बताओ दो की संख्या सात दो की संख्या सात और पांच की संख्या बारह तो शून्यकों की संख्या तो शून्यकों की संख्या तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बच्चे तो सात कितनी हो गई सात क्लियर हो गई तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी होगी कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बच्चे पूछ दिए जाते हैं तो आप परेशान ना हो इसलिए मैंने बता दिया ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह देखे क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर सत्रह था पचहत्तर गुणे साठ पचहत्तर गुणा साठ गुणा एक सौ पच्चीस और गुणा चालीस गुणा चालीस में सुन्यपो की संख्या अच्छा कई बार ऐसे लिखता है कि मैं दाई तरफ से शून्यों की संख्या तो परेशान मत होना दाई तरफ से ही शून्य की संख्या पूछता है ठीक है तो इससे परेशान होने की भी जरूरत नहीं है मैं एक लिख देता हूं मैं दाई तरफ से शून्य को दाई तरफ से शून्यकों की संख्या क्या होगी ठीक अब पचहत्तर का करेंगे तो तीन पचीस यानी तीन गुड़े पांच का स्क्वायर नहीं पांच पचे पच्चीस पचहत्तर और इसका बारह पचे साठ तो दो, दो ना चार, चारिया बारह पचे साठ तो दो की कितनी घात दो घात ध्यान देना है बस पांच की दो घात दो की दो यहां पांच की कितनी घात एक दो पांच पचे पचीस पंजे एक सौ चालीस की बात आप करेंगे तो दो दूना चार दूना आठ पचे चालीस दो दूना चार दो न आठ पच्चीस। आप देखिए पांच की कितनी घात हो गई पांच की दो दो चार दो छ एक सात घात तो पांच की हो गई सात घात और दो की एक दो तीन चार पांच तो दो की हो गई कितनी घात पांच घात तो छोटी वाली यानी शून्यकों की संख्या यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी आप कहेंगे शून्यपोख की संख्या पांच बोलो समझ गए होंगे बच्चे बहुत आसान है बस थोड़ा सा माइंड में अपने रखो जैसे मैं यही बात पांच का पावर एक सौ दो अब यह कहो पचहत्तर का भी पावर बना सकता हूं तो देखना पड़ेगा कितने पांच आएंगे तो समझने के लिए बनाए ऐसा प्रश्न आता नहीं फिलहाल कभी आ भी जाए तो बना लेना क्योंकि पांच के स्क्वायर का उतना घात कर दू मैं ठीक है तिरालीस की घात एक सौ आठ कर दू बूढ़े बत्तीस का पावर सौ तो कर दू ठीक है मैं शून्यकों की संख्या होगी मान लीजिए मैं इसमें भी आपसे कह दूं कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी तो आप कैसे निकालोगे इस बात को समझिए तो देखो अब भाई मैं यहां पच्चीस भी कर सकता हूं तो समझिएगा मेरी बात पांच में तो हमको बनाना ही है पांच का स्क्वायर का पावर एक सौ दो गुड़ा ए किसका है तीन का है नहीं सात का है सात का पावर तीन का एक सौ आठ गुड़ा ए दो का पावर कितना है बच्चे पांच बत्तीस और ए सौ तो आप देखोगे कि यहां से पांच का पावर कितना आ गया एक सौ दो दूना दो सौ चार और गुड़ा ए इससे तो मतलब है नहीं क्योंकि शून्यकों की संख्या में इसकी जरूरत नहीं पड़ती सात की कहां पड़ती केवल पांच और दो की और ये दो की घात पांच सौ तो कितनी छोटी घात है 200 कितनी छोटी घात है 200 तो हम कहेंगे शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या छोटी वाली यानी 200 सौ ये देखिए यानी हमें बच्चे दो बात को बस इतना दिमाग में रखना है शून्यकों की संख्या ज्ञात करते समय कि हम दो और पांच का पता लगाने में अगर समर्थ हैं तो हमें सुन्यकों की संख्या निकालने में जरा भी देरी नहीं लगेगी कई बार बहुत बड़े बड़े पावर के घात भी प्रश्न आ जाते हैं एक से लेकर लगातार तो वहां पर आपको चेक करना पड़ता है कि यहां से यहां तक लेकर सुनकों की संख्या मतलब पांच की संख्या कितनी होगी दो की संख्या कितनी होगी बिना दो और पांच जाने बिना दो और पांच जाने आप बताओ सुनिकों की संख्या निकालना संभव है नहीं है क्योंकि या या तो दो आए या तो पांच आए लेकिन इन दोनों में दो और पांच आए या तो नहीं आना ही चाहिए तभी एक शून्य की संख्या मिलेगी क्लियर है जितनी इसकी संख्या बच्चे बढ़ती जाएगी उतने शून्यों की संख्या बढ़ती जाएगी अगर तीन बार दो आ गए और तीन बार पांच आ गया तो शून्यकों की संख्या ए और ए मिलाकर तीन बार हो जाएगी सुनिकों की संख्या कितनी आ जाएगी तीन अगर चार बार आ गया तो चार आएगा पांच बार आ गया तो पांच आएगा उम्मीद करता हूं बच्चे सुनिकों की संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं अब हम चर्चा करेंगे टाइप नंबर ग्यारह बारह हुआ होगा क्रमिक संख्याओं को ज्ञात करना थोड़ी सी इसकी बात हम करेंगे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा तो नहीं परेशान हो जाएंगे आप लोग क्रमिक संख्याओं को ज्ञात करना जैसे देखो बच्चे मैं एक संख्या ले लिया मैंने एक संख्या लिया मान लो दो ठीक है अब दो को क्रम से काटना है तो हम क्या करेंगे तीन से फिर तीन से फिर तीन, तीन से भाई इक्यासी सत्ताईस नौ फिर तीन से फिर तीन से कट गया बात को समझिए ये तो प्योर कट गया तो हम कहेंगे भाई विभाजन का क्रम जो है तीन, तीन 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 का ही रहा अब मैंने कहा ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं अब मैंने कहा कि मुझे चलिए पांच सौ को बारह को काटना है बेसिक से बात करता हूं मैं पहले चलो इसे खींच देता हूं बारह को काटना फिर मैंने कहा तीन चौका बारह या दो से काट सकते थे किससे काट सकते थे बच्चे दो से काट सकते थे देखिए बारह दो छह दो तीन तीन एक का यहां सेम नहीं मिला यहाँ चार और तीन मिला यहां चार और तीन मिला समझते रहिएगा अभी बात थोड़ी देर में इसको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आखिर वह संख्या है कौन अब मैं बच्चे कर दूं 140 लेता हूं कितना लेता हूं 140। मैंने काटा दो सत्ते चौदह दो पैंतीस पांच सतेह पैंतीस और सात एक का अब आप यहां देखेंगे कि चार पांच और सात मिल गया चार गुड़ा पांच गुणा सात तब हमारा मिला एक सौ चालीस समझिएगा यहां हमारा क्या मिला चार गुणा तीन यहां हमारा क्या मिला ये तो मान लो तीन की घात एक दो तीन चार पांच की मिली। अब इस बात को समझना बच्चे अब सवाल में आपसे कहेगा ऐसी कौन सी संख्या है ऐसी कौन सी संख्या है, जिसे चार पांच से भाग देने पर क्रमशः शेषफल एक दो ऐसे बचता है समझिए बात क्या मैं कहना चाह रहा हूं इस बात को आपको समझना पड़ेगा बच्चे तो आपको दिमाग में बातें आएगी जैसे मैं कहूं मैं कहता हूं आपसे ऐसी ऐसी संख्याएं ज्ञात करो या वह संख्या ज्ञात करो जिसे चार व पांच से भाग देने पर देने पर शेष फल क्रमशः एक हुआ, दो बचे देखिएगा अब यहां पर बातें केवल अभी मैं बेसिक कर रहा हूं अभी बहुत ज्यादा इस पर मैंने चर्चा नहीं किया है केवल आपको सिखाना चाह रहा हूं कि बातें कहां, कहां आपको माइंड गेम करनी जैसे दो बात है देखो बच्चे समझिएगा कि अगर चार और पांच से भाग देते हो चार से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचा एक और पांच से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचा यानी जब ये बचा होगा बच्चे तो संख्या तो पूर्ण रूप से कट गई होगी या बची होगी तो कुछ तो कुछ से आया होगा तो कुछ आया हो या न आया हो यहां पर आप क्या मानोगे पहले एक अब देख भाजक गुड़े भागफल और प्लस सेसफल होता है आप यहां का जो नंबर निकालेंगे ये क्या हो जाएगा पांच का पांच और दो सात ठीक अब देखिए ए वाली जो संख्या है फिर वही काम करना है आप सात चौक अट्ठाईस और प्लस एक उन्तीस यानी ए वाला नंबर क्या है है। कितना आ गया उन्तीस आ गया अब देखिए बात को समझना बच्चे क्या है अब एक चीज तो हमको यहां से दिमाग में आया कि जब हम पांच से भाग देते हैं रिमाइंडर दो आता है यानी संख्या कितनी हो गई सात और जब हम चार से भाग देते हैं सात से और रिमाइंडर कितना जाता? एक. यानी संख्या क्या है? एक अगर उन्तीस को अगर उन्तीस को आप चार से विभक्त करते हो बच्चे चार से तो चार छक चौबीस चार सते अट्ठाइस चार सते अट्ठाईस और रिमाइंडर क्या होता है एक बचता है क्या बचता है रिमाइंडर एक बचता है अगर पांच से भाग करते हो पांच से भाग करते हो तो पांच एक का पांच और रिमाइंडर कितना बचता है दो बचता तो इसी बेसिक बात को इसने यहां पर फोल्ड कर दिए अब ध्यान समझिए अब बातें समझ में आएंगी तो जो जब मैं दो सौ तिरालीस लिया ध्यान समझिए अब उस बात पे आते हैं पीछे जब मैं दो सौ तिरालीस लिया अगर इसको मैं तीन से ना काटकर मान लो दो से काटता या चार से काटता जो भी मेरा मन करे मैं इसको चार से काटता तो चार छक चौबीस साठ बार रिमाइंडर कितना बचता तीन अब मैं इसको चार से न काट के पांच से काटता पांच बरह में छह से सात से काट रहा हूं रुकिए समझाने के लिए बस ले रहा हूं अभी अगर मैं इसको सात से काट सात अठे छप्पन और बचता कितना चार सात अठे छप्पन और बचता कितना क्लियर है अब मैं कहूं कि वह संख्या ज्ञात करो जिसे चार व सात से भाग देने पर शेषफल तीन और चार बचता है और बच सकता है भी समझिएगा कि बातें क्या मैं समझाना चाह रहा हूं थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके ये बात आपको समझ में आएगी और सवाल बहुत आसान हो जाएगा समझिए अब आप कहेंगे सर अगर हम चार से भाग देते हैं रिमाइंडर तीन और सात से भाग देते हैं रिमाइंडर चार बचता है तो एक ले लेंगे सात का सात और चार ग्यारह हो जाएगा और ग्यारह चौक चौवालीस तीन सैतालीस हो जाएगा समझिए बच्चे अब मुख्य बातें पर हम लोग पहुंच चुके हैं अभी ये सो दो, 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 दो सौ तिरालीस था इसको दिमाग में रखिए क्योंकि अभी ये जाने वाला था मैं उसको ले नहीं गया आप ध्यान से अब इस सैंतालीस को हमने किससे भाग दिए पहले चार से तो बारह चौक अड़तालीस यानी ग्यारह ग्यारह चौक चौवालिस तो रिमाइंडर बच्चे कितना बन गया तीन फिर हमने जब सात से भाग दिया तो सात एक का सात यानी रिमाइंडर कितना बच गया चार तो देखो यहां पर एक बात तो है कि एक आ रही है बात क्लियर हो गई ठीक अब समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं बच्ची अब आ गया होगा नहीं आया तो एक बार और समझाता हूं देख जैसे समझो मैंने किसी संख्या को लिया मान लो एक सौ बीस को लिया एक सौ पच्चीस को लिया इससे तीन से भाग दिया तीन चौक का बारह चालीस इकतालीस चालीस चालीस एक सौ बीस होता है ना तीन चौक का बारह कट गया तीन एक का तीन इकतालीस बार और शेष कितना बचा दो अब मैंने इसको पांच से भाग दिया पांच अट्ठे चालीस और रिमाइंडर कितना बचा एक फिर मैंने बच्चे इसको सात से भाग दिया सात एक का सात और रिमाइंडर कितना बचा एक अब समझने योग्य बात बन रही धीरे धीरे वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे तीन पांच सात से भाग देने पर शेषफल दो एक, एक बचता है प्रश्न में लिखता हूं समझिएगा वह कौन सी संख्या है वह कौन सी संख्या है जिसे जिसे तीन पांच सात से भाग देने पर देने पर शेषफल क्रमशः शेषफल क्रमशः दो एक एक बचता है दो एक एक यहां मैंने एक आइडिया लिया है बच्चे सवाल का कुछ भी आंसर आ सकता है तो उसके भी दो एक एक बच सकते हैं ऐसा कुछ नहीं लेकिन एक आइडिया के थ्रू आज आपके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं केवल क्लियर कर रहा हूं सवाल तो इसमें तुरंत कर जाओगे अगर इसको समझ लिए हो तो सवालों में दिक्कत नहीं होगी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं समझिए देखिए तीन रिमाइंडर कितना दो पांच रिमाइंडर कितना एक फिर सात रिमाइंडर कितना एक अंतिम में यहां पर एक अच्छा सवाल में कहा जाएगा दूसरे सवाल अगर बनेगा तो कह देगा कि इसका जो अंतिम भागफल है वो चार है आठ है दस है बीस है या भागफल को उलट दिया जाए तो वो चर्चा अच्छा, आप सवालों में करेंगे ठीक है अब देखिए समझिए तो भाजक गुड़े भागफल भाजक गुड़े भागफल प्लस शेषफल तो बातें यहां पर क्या आ गई बच्चे सात एक का सात और एक आठ बस इतना ही काम करना है ये संख्या आठ हो गई फिर वही काम ऊपर से करना है आठ पचे चालीस और एक इकतालीस ए संख्या आ गई अब इसका गुड़ा इसमें करना है और प्लस इसको जोड़ देना है तो आप बताओ इकतालीस एक सौ तेईस और प्लस दो तो क्या संख्या एक सौ पच्चीस ही आई क्या बोलो तो आप देखो इसी सवाल को इस रूप में फोल्ड करके सवाल बनाया जाता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं ये वाला इसी सवाल को फोल्ड करके बच्चे इस रूप में बनाया जाता है कि आप यही चीज को नहीं समझ पाते हो जो यह वैल्यू निकालनी होती है ये जो वैल्यू निकालनी होती है इसी चीज को आप नहीं समझ पाते तो बोलो यहां से इस चीज को लेके मैंने हल निकाला और यहां से मैंने इसके हल को लेके एक प्रश्न ही निकाल दिया यही बात सवाल पे बार बार फोल्ड करके पूछा जाता चलो ठीक है आज की सभा जो है यहीं पर समाप्त करता हूं कल जो है इस पे आधारित बेस्ट क्वेश्चन होंगे क्रमिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न कल की क्लास में हम कराएंगे क्रमिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न चलिए धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं कल की कल, कल वाली क्लास में